যার ছবি দেখে আমরা বড় হয়েছি ছোটবেলা থেকে। तो दोस्तों वार टू मूवी के शूटिंग से एक छोटा सा वीडियो हुआ लीक, जिसमें ऋतिक रोशन बेहद स्टाइलिश लुक में दिखाई दे रहे हैं। जी हां, बॉलीवुड के सुपर हीरो ऋतिक रोशन अपने 24 साल के करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। लेकिन वहीं 2019 में रिलीज हुई इनकी फिल्म वार उनके सफर में मील का पत्थर साबित हुई। ये मूवी एक्शन थ्रिलर न केवल उनकी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, बल्कि इनसे दुनिया को रॉ एजेंट कबीर से भी मिलवा दिया, जिसने जल्द ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। वहीं वाणी कपूर के साथ ऋतिक रोशन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और टाइगर श्रॉफ के साथ उनकी दोस्ती फैंस के लिए एक अतिरिक्त बोनस। खैर, अभिनेता ने एक बार फिर से वार 2 में रॉ एजेंट की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। फिलहाल फिल्म के निर्माता ने अभी ऋतिक रोशन का फर्स्ट लुक जारी नहीं किया है। हालांकि इटली से एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है, जिसे किसी फैंस ने रिकॉर्ड किया था। अब अभिनेता वार 2 की शूटिंग में व्यस्त थे। वहीं आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ऋतिक रोशन एक सफेद टी शर्ट और हल्के नीले रंग की शर्ट में बहुत ही आकर्षित और हॉट लग रहे हैं, जिसके ऊपर उन्होंने सफेद ट्राउजर और हाथों में गॉगल लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं छोटे से वीडियो में ऋतिक रोशन के साथ साथ आर्यन मुखर्जी भी दिखाई दे रहे हैं। ऋतिक रोशन की ये झलकियां इंटरनेट पर तूफान मचाने के लिए काफी थी। फैन शांत नहीं रह पा रहे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर वार 2 से अपनी उम्मीदें जाहिर करना शुरू कर दिया है। वहीं एक बार फिर से ऋतिक रोशन इस मूवी में कबीर की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। और वहीं ऋतिक रोशन के साथ साथ तेलुगु सुपरस्टार जूनियर NTR उनके साथ पति पक्षी की भूमिका निभाएंगे। दोनों के अलावा इस मूवी में कियारा आडवाणी और अनिल कपूर भी अहम भूमिका में दिखाई देने वाले हैं। लेकिन वार 2 में सबसे खास बात यह है कि शाहरुख खान और सलमान खान का जासूसी ब्रह्मांड से पठान और टाइगर के रूप में कैमियो होगा। फिलहाल दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। तो ये मूवी 15 अगस्त 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इन सभी सुपरस्टारों को एक साथ एक ही मूवी में देखने के लिए, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।